यार दोस्तों इंटरनेट तो पूरी दुनिया यहाँ पर यूज़ करती है और दोस्तों करती है अपने अलग अलग दिन भर के काम को इसी इंटरनेट को यूज़ करते हुए। लेकिन दोस्तों ऐसे में आता है सवाल यार यहाँ पर निकल के मल्टीप्लेक्सिंग का, तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की मदद से किस तरीके से हम लोग अपने सिग्नल की स्पीड को बढ़ाते हुए जो अपना कम्युनिकेशन चैनल है उसके थ्रू यहाँ पर अपने बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो भी काफ़ी कम टाइम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट की, तो क्योंकि यार इंटरनेट ग्लोबली यूज़ किया जाता है ये कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलग अलग लोग होंगे या फिर अलग अलग उनके पास में डिवाइसेज होंगी। अब क्योंकि इंटरनेट सारे डिवाइसेज को यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी कि जितने भी आपके पास डिवाइसेज होंगी जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर लैपटॉप्स की, मोबाइल फोन्स वगैरह की, तो दोस्तों ये सारे मोबाइल फोन्स होंगे या फिर आपके पास लैपटॉप्स होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, ये इवन आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है तो वो भी इंटरनेट से यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। और दोस्तों क्योंकि अगर आप इंटरनेट को यहाँ पर यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपके पास जो कंप्लीट जो बेसिकली इंट्रूजन्स हैं या फिर आपके पास जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर मान लो आपका जो सिग्नल है वो ऑन टाइम आपके जो बेसिकली रिसिपियंट है उस तक पहुँच नहीं पाता और दोस्तों ऐसे में जो कम्युनिकेशन है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग यार यहाँ पर लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स को काम में अपने इस कंप्लीट सिग्नल के प्रोसेस में, फिर अपने नेटवर्क्स के अंदर। अब दोस्तों क्योंकि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं जिसके अंदर ये सारे इंटरनेट के प्रोसेस जो हैं वो इंडिविजुअली रन कर रहे होते हैं, और दोस्तों ऐसे में हमारे पास जो कंप्लीट नेटवर्क्स होते हैं उन नेटवर्क्स में अलग अलग चैनल्स होते हैं जिनके अंदर से जो है सिग्नल की फॉर्म में डेटा के जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो यहाँ पर जा रहे होते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को, और दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सिग्नल है वो ऑन टाइम अपना जो रिसिपियंट है बेसिकली या फिर जो रिसीवर है उस तक पहुंच जाए, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या फिर बिना किसी कंस्ट्रेंट के। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेक्निक का जो बेसिकली कंप्लीट आउटपुट होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और दोस्तों हम लोग जो है इस टेक्निक को कोई आज से नहीं बल्कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले चलता आ रहा है। और दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग को हम लोग यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क्स के अंदर ताकि हम लोग जो है अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और ओवरऑल यार हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो एकदम प्रिसाइजली हो और एकदम फास्ट तरीके से हमारा जो मैसेज है बेसिकली वो पहुंच जाए हमारे रिसिपियंट या फिर हमारे रिसीवर तक। अब दोस्तों सुनने में बात काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर अनसेटिस्फाइड लगती है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को इसी नेटवर्क्स के अंदर, और नेटवर्क की जो कंप्लीट पाइपलाइन है जहाँ से आपके पास सोर्स होगी और डेस्टिनेशन होगी, और सोर्स से जाएगा डेस्टिनेशन तक आपका कंप्लीट सिग्नल। अब उस सिग्नल को आपको प्रिसाइज बनाने, उस सिग्नल को जो है आपको एकदम कंप्लीट तरीके से मैनेज करना है और उस सिग्नल के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना आए, कंस्ट्रेंट्स ना आए, बीच में ऑब्स्टेकल्स ना आए, या फिर वो सिग्नल जो है वो बीच में उसको बूस्ट अप करने फिर एम्पलीफाई करने की जरूरत ना पड़े, तो इसी चीज़ को यार सॉल्व करने के लिए या फिर मान लो मल्टीपल हैंडल्स या फिर मान लो आपके पास जो मल्टीपल सिग्नल्स होंगे उनको एक ही समय पे एक ही टाइम पे जो है उनको आपको अगर हैंडल करना है तो उसके लिए भी जो है मल्टीप्लेक्सिंग को यहाँ पर जो है वो नेटवर्क्स के अंदर काम में लिया जाता है। और मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ओवरऑल यार काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रेट जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रा बात करते हैं और दोस्तों डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है ये बेसिकली होती क्या है, दोस्तों इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब दोस्तों हम अगर जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं और दोस्तों उन नेटवर्क्स के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा आपके पास नॉर्मल डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मान लो आप जिस तरीके से आपके सेलफोन्स के अंदर आपकी मान लो गैलरीज होगी फिर आपके पास जो भी डेटा होगा उस फॉर्म में डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर डेटा बाइनरी की फॉर्म में अवेलेबल होता है। दोस्तों वहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डेटा उन पैकेट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और दोस्तों उन्हीं पैकेट्स जो पैकेट्स हैं वो सिग्नल के अंदर ट्रेवल करते हुए जाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी कि मान लो जो सेंडर होगा सेंडर से जाएंगे रिसीवर तक, और दोस्तों रिसीवर के पास में जो है वो आपके पास जो बेसिकली रिसीवर है वो उस डेटा को रिसीव कर देगा, और इसका मतलब यह है कि वो डेटा जो है वो उसकी डिवाइस के अंदर आ गया। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर आईपी एड्रेस फिर मैक एड्रेस काम में लिया जाता है। अब क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपकी पहचान करवाएगा, यानी कि आपकी जो डिवाइस है उसकी पहचान करवाएगा आपका आईपी एड्रेस, और दोस्तों उसी आईपी एड्रेस के थ्रू आपका जो डेटा है वो जाता है आपके डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि ये पता चल सके कि हाँ ये जो डेटा है और ये रिक्वेस्ट जो थी वो जिस डिवाइस के लिए आई थी, जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है ये डेटा जो है ये उसी डिवाइस में गया या फिर किसी और डिवाइस में गया, तो इसी चीज को यहाँ पर कंप्लीटली वेरीफाई करता है, यानी कि इसी चीज को जो है वो मेक श्योर करता है आपके पास यहाँ पर आईपी एड्रेस
और आईपी एड्रेस जो है वो इस चीज को यहाँ पर पहुंचा देता है आपके जो रिसिपिएंट या फिर जो आपका रिसीवर है उस तक। और दोस्तों ऐसे में आपका जो डेटा है वो आपको प्रिसाइसली जो है ऑन टाइम आपका जो डेटा है वो रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर जो है उसको बाद में यूज कर सकता है। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा कमाल का है इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का, और दोस्तों ये नेटवर्क के अंदर काम में लिया जाता है। मान लो कि आपके नेटवर्क के अंदर जो है एक पाइपलाइन है। अब दोस्तों एक साइड पे आपके पास यहाँ पर रिसीवर होगा और एक साइड पे जो है आपके पास सेंडर होगा। अब दोस्तों सेंडर जो है वो यहाँ पर सेंड करेगा अपने मैसेज को या फिर कोई भी डेटा होगा उसको सेंड करेगा डायरेक्टली सर्वर से फेच करके। अब दोस्तों सर्वर से उसने फेच कर लिया यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वो जाएगा सर्वर के पास और सर्वर से डेटा को लेके उस आईपी एड्रेस में ट्रांसफर कर देगा डेटा के पैकेट को जिस आईपी एड्रेस से उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट आई थी। अब दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का मतलब यहाँ पर क्या है इस चीज को हम लोग जरा समझते हैं। अब दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का मतलब यहाँ पर यह है कि मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है बेसिकली वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल की फॉर्म में जो है यहाँ पर इसको बनाते हैं। और दोस्तों वो सिंगल सिग्नल जो है वो एक ही सिग्नल होगा जिनमें आपके पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों कंबाइन होंगे। और दोस्तों कंबाइन होने के बाद में वो जाएंगे आपके पास रिसीवर के पास में जिसमें आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। दोस्तों इसके अंदर जो है कभी आपको जो है वो बेसिकली इंट्रूजन देखने को नहीं मिलता और दोस्तों किसी भी तरह के कंस्ट्रेंट्स के ऑब्स्टिकल जो है वो इस सिग्नल को ट्रेवल करने में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब इसमें आपके पास ये फायदा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि दोस्तों इसके अंदर जो सिग्नल होता है बेसिकली वो सिग्नल आपका एक जगह से जाएगा यानी कि सोर्स से जाएगा डेस्टिनेशन तक। और अगर वो जाएगा डेस्टिनेशन तक तो डेफिनेटली अगर आप किसी और टेक्निक काम में लेते हो तो ऐसे में आपका जो वो एनालॉग सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल का जो इंट्रूजन है वो तो आपको देखने को मिलेगा और टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसी मल्टीप्लेक्सिंग को जो कि आपके पास एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन करता है और दोस्तों कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल की फॉर्म में जो है इसको बना देता है। और दोस्तों उस सिग्नल जो बेसिकली आपके पास सिंगल सिग्नल है उस सिग्नल सिग्नल को जो है वो जाएगा रिसीवर को तक लेकर और दोस्तों रिसीवर जो इसको रिसीव करेगा। अब ऐसे में आप उसी सेम टाइम में मतलब मान लो कि आपके पास 5 सेकंड के अंदर वो सिग्नल को जो है वो ट्रेवल करेगा। अब 5 सेकंड लगे उस सिग्नल को ट्रेवल करने में रिसीवर तक। अब जैसे वो सिग्नल ट्रेवल कर जाएगा रिसीवर तक तो 5 सेकंड के अंदर आपके पास सेम टाइम के अंदर आपके पास दोनों सिग्नल जो है वो दोनों क्वालिटीज के अंदर आपके पास जो है वो रिसीवर तक रिसीव हो गए। तो मल्टीप्लेक्सिंग इसी टेक्निक को कहते हैं दोस्तों। ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की होती है। इसके अंदर और सारी बहुत डेप्थ भी चीजें हैं लेकिन अभी क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो क्योंकि एक ओवरव्यू है इसके बारे में मैंने देना जरूरी समझा कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊं कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग जो है हम लोग यहाँ पर नेटवर्क के अंदर काम में लेते हैं। और दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के थ्रू हम लोग के जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं बेसिकली जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक तो वो जो है वो यहाँ पर प्रिसाइसली हो सके और उनमें कोई भी यहाँ पर जो है वो ऑब्स्टेकल्स देखने को ना मिले मतलब किसी भी तरह का जो है आपके पास यहाँ पर हैंग जो है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये था यार सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।